अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। कैसे हैं आप सभी, अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक है पीसी बिल्ड। जी हाँ, पीसी बिल्ड गाइड मैं दे रहा हूँ इस चैनल पर, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए एंड इवन आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देखे कि कैसे पीसी बिल्ड कर सकते हैं एंड कैसे कंपोनेंट्स को चूज़ करना है, कौन सा देखना है फीचर्स, कौन सा नहीं एंड कौन सा गिमिक की फीचर्स रहते हैं, कैसे डिसाइड करना है पीसी कंपोनेंट्स को, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। कोई भी कैसा भी आपका बजट हो तो हम देखेंगे कि पीसी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। एंड उससे पहले पीसी बिल्ड एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने कभी भी पीसी बिल्ड नहीं किया हो, सिर्फ आप बाहर जाकर स्टोर उन्हीं को करने के लिए कहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन ये होगा कि आप खुद एक पीसी बिल्ड कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें कुछ डरने की बात नहीं, वेरी इजी एंड वेरी सेफ कंपोनेंट्स आजकल आए हैं, तो आप आसान से एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं जितना भी आपका बजट हो। तो मैं भी एक पीसी बिल्ड कर रहा हूँ मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसी को बिल्ड हम देखते हैं पहले। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना बजट बताएंगे तो हम डिफरेंट बजट का पीसी बिल्ड भी इस चैनल पर ज़रूर स्टार्ट करेंगे। मैं पीसी बिल्ड के रिलेटेड अराउंड 20 इयर्स से इसमें हूँ। इन सारे एक्सपीरियंस में कई सारे इश्यूज भी फेस किया हूँ, तो उन सारे चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड माय ओपिनियन। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फुल वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक मैंने चॉइस किया है पावर सप्लाई। पीसी कंपोनेंट्स के लिए पावर सप्लाई इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द मोस्ट नीडेड थिंग। अगर पावर सप्लाई नहीं तो पीसी कैसे रन करेंगे। तो पावर सप्लाई भी, इसमें भी क्वालिटी ऐसे होते हैं कि आपको अच्छा वाला पावर सप्लाई ज़रूर लेना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है पावर वैटेज, तो वैटेज कौन सा वैट्स का पावर सप्लाई आपको लेना है। द सेकेंड थिंग आपको डिसाइड करना है कि नॉन मॉड्यूलर लेना है या फिर मॉड्यूलर पावर सप्लाई। द थर्ड थिंग है कि उसमें फीचर्स कैसे कैसे मिल रहे हैं आपके पावर सप्लाई में एंड कैसा फीचर्स यूजफुल होगा एंड कैसे फीचर्स यूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वाटेज, वाटेज कैलकुलेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं एंड सबसे ईजी तरीका ये है कि आप पहले अपना पीसी कंपोनेंट्स डिसाइड कर लीजिए, कौन सा रैम ले रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं, कौन सा मदरबोर्ड ले रहे हैं एंड कितने हार्ड डिस्क है आपका। तो इन सारी चीज़ों का आप लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक देता हूँ, वहाँ से आपको क्लिक करके जो आपका कंपोनेंट्स है उस वेबसाइट पर आपको डालना है। तब जाकर वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा वेबसाइट की कितना वैटेज आपके पीसी के लिए नेसेसरी है। वहाँ पर आपको एक नंबर दिखाया देगा, जैसे कि 380 वैट्स, 320 वैट्स, डिपेंडिंग ऑन द पीसी कंपोनेंट्स। तो अगर ज़्यादा हार्ड डिस्क है तो ऑब्वियसली ज़्यादा वो मैकेनिकल हार्ड डिस्क रन करने के लिए ज़्यादा पावर सप्लाई लगेगा यानी कि वैटेज में, तो वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा वहाँ पर। तो उसके आधार पर आपको डिटरमिन करना है कि कितने वैटेज का पीएसयू लेना है। तो अभी मान लीजिए अराउंड 350 वैट्स का आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर एंड 350 वैट्स का दिखाई दे रहा है, तो आपको पिक करना है 450 वैट्स पावर सप्लाई। तो 450 वैट्स इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। कई सारे टाइम क्या होता है, मान लीजिए अगर आप फर्दर अपग्रेड कर रहे हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसी कंपोनेंट्स में एंड अगर आपने थोड़ा भी कम वाला पावर सप्लाई लिया तो बहुत बार आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है एंड इवन स्ट्रक हो सकता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ तो सुने होंगे, तो BSOD तो वो भी आ सकता है उसमें। तो इन सारे चीज़ का जो रीज़न है वो है कि इनसफिशियंट पावर सप्लाई। तो आपको वेरी एफिशिएंट एंड वेरी जेनरस वाला पावर सप्लाई लेना है, तो उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर का है वेरी स्मूथली रन होगा, पीसी कंपोनेंट्स सब बहुत खुश होंगे कि आपने उसको जितना चाहिए उतना पावर सप्लाई दिया है, तो वो ऑब्वियसली अच्छी तरह से काम करेंगे। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसाइडिंग दी पावर सप्लाई। तो राइट वैटेज, जैसे कि मैंने कहा, अगर वो दिखाई दे रहा है कि 350-380 वैट्स, यू हैव टू बाई ए 450 वैट पावर सप्लाई। तो अब फर्स्ट आपने डिसाइड कर लिया है कि कितने वैटेज का है एंड उसके आधार पर आपने डिसाइड किया कि पीएसयू कितने वैटेज का लेना है। द सेकंड थिंग इज मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर, इसमें दो वैरायटी आते हैं। आई रेकमेंड यू बाइंग ए मॉड्यूलर पावर सप्लाई। अगर आपका बजट सफिशियंटली मॉड्यूलर पावर सप्लाई लेने के लिए आता है तो बिल्कुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई लीजिए। इससे एडवांटेज एक है कि आपका केस में जो फिट करते हैं कंपोनेंट्स, उसके बाद आपको वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम लगेगा बिकॉज ऑफ द लेस केबल्स,
तो लेस डैंगलिंग वायर्स रहेंगे एंड मोर ओवर आपका जो केबल मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा इफ़ यू बाई दी मॉड्यूलर पावर सप्लाई, बिकॉज मॉड्यूलर यानी जो जिस पार्ट का कॉम्पोनेंट्स आप फिक्स करना चाहते हैं केबल सिर्फ उसी केबल्स को यूज़ करेंगे पीसी पर, तो उसके वजह से अनवांटेड केबल्स उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, तो बहुत ही क्लीन एंड सुपर्ब सिस्टम आपको मिलेगा। एंड अगर आप नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई लेंगे तो कोई बात नहीं, पहले से नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई ही तो है, तो उसमें क्या होता है कुछ अनवांटेड वायर्स रह जाते हैं एंड उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा वायर्स आपको दिखाई देगा, बस उतना ही दोनों में डिफरेंस। एंड इन पावर सप्लाई में फीचर्स, थर्ड थिंग जो मैंने कहा फीचर्स होते हैं अलग अलग फीचर्स, तो फीचर्स कैसे डिसाइड करें, देखिए एक तो है जो कंपोनेंट्स अंदर डाले रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो अच्छा कंपोनेंट वाला ले सकते हैं, जैसे कि 16AWG वायर केबल उसमें रहेगा, 18AWG वायर केबल, तो उससे क्या डिटरमिन होगा कि पावर एफिशिएंसी डिटरमिन होगा एंड लॉन्जिटिविटी जो है आपका ज़रूर आएगा, उसके वजह से रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ ऑब्वियसली फ्री में मिलते हैं, तो इसके लिए क्वालिटी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो लिया हूँ 650 वाट्स का कूलर मास्टर वाट का लिया हूँ एंड इसमें जो है 16AWG का केबल यूज़ किया गया है, यानी कि अमेरिकन वायर गेज जो कहते हैं जो वायर का गेज रहता है क्वालिटी, तो ऐसे सारे चीज़ रहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दूंगा अलग अलग क्वालिटी वाला पावर सप्लाई, डिफरेंट बजट्स पर आप क्लिक करके वहाँ से भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कूलर मास्टर वाला आप पावर सप्लाई लीजिए, बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स बनाते हैं, प्रोबेबली मैं 7 to 10 years कूलर मास्टर का यूज़ कर रहा हूँ एंड बिल्कुल आज तक एक भी ख़राब नहीं हुआ है, सो दैट्स द थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं पीसी बिल्ड करने के लिए। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पावर सप्लाई लेने से पहले, आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छा वाला पावर सप्लाई लीजिएगा। होपफुली इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, इस फुल पीसी बिल्ड आ रहा है जल्दी इस चैनल पर, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।